हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। 29 सितंबर 2021 और आज के द हिंदू न्यूज़पेपर को हम लोग डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे। आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, या सीधा परिवर्तन आईएएस एकेडमी टेलीग्राम पर लिखकर भी आप लोग सर्च कर सकते हैं। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, मैप बेस्ड क्वेश्चन है। आपको लोकेट करना कि जर्मनी की ज्योग्राफिकल लोकेशन कहाँ पर है, किस कॉन्टिनेंट के अंदर पड़ेगी, दूसरा जर्मनी की कैपिटल क्या, और तीसरा जर्मनी की नेबरिंग कंट्री कौन कौन सी है, उसके बारे में आप कमेंट करेंगे। इसको लेकर हम भी मैपिंग करेंगे जब हम एडिटोरियल पढ़ेंगे एडिटोरियल पार्ट के अंदर। देखिए, फ्रंट पेज पर दो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है। बंगाल के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर पोस्ट पोल वायलेंस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को एक नोटिस इश्यू किया, और इसमें बेसिकली वेस्ट बंगाल के अंदर इलेक्शन के बाद जो वायलेंस हुई उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में है। रिसेंटली कलकत्ता हाई कोर्ट ने डिसीजन लिया था कि पोस्ट पोल वायलेंस केसेस जो है वो हैंडओवर किए जाएंगे सीबीआई को, ठीक। इसमें मर्डर और रेप के केसेस इंक्लूड है। इसी चीज़ को लेकर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एक दूसरे से डिबेट कर रहे हैं, और इसी चीज़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस भेजा है। और यहाँ पर ये मेंशन किया गया कि स्टेट हैज़ मेड आउट ए केस अगेंस्ट केसेस गोइंग टू सीबीआई, यानी जो केस सीबीआई के पास जाने वाले थे स्टेट ने अपना एक केस बना दिया। तो अलग अलग इसमें जो इश्यूज है उन सब को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट को एक नोटिस भेजा गया। इसके जस्ट नीचे एक इन्फॉर्मेशन है बाय पोल्स को लेकर कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डिसीजन लिया कि कुछ लोकसभा सीट और कुछ असेंबली सीट्स पर इलेक्शन होने वाला है बाय इलेक्शन 30 अक्टूबर को। देखिए, किन सीट पर होगा किन पर नहीं होगा वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारे लिए बाई इलेक्शन क्या होते हैं इसके बारे में, बाई पोल्स क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ना इम्पोर्टेंट है। देखिए, बाई इलेक्शन या बाई पोल्स बेसिकली क्या होता है, अगर कोई कैंडिडेट रिज़ाइन कर देता है अपनी सीट से, चाहे वो लोकसभा में हो चाहे विधानसभा के अंदर हो, ठीक है, और इवन राज्यसभा के अंदर हो, या उसकी डेथ हो जाती है, या अगर कोई एंटी डिफेक्शन लॉ या दल बदल की वजह से उसकी सीट चली जाती है, यानी किसी वजह से वो सीट चली जाती है, तो वो सीट नोटिफाई की जाती है कि एम्प्टी होगी, मतलब एक तरीके से वो वैकेंट हो गई है। उस कॉन्टेक्स्ट में 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन करवाना ज़रूरी होता है, ठीक है। और अगर रिमेनिंग पीरियड 1 साल से कम है, मान लेते हैं कि लोकसभा या विधानसभा का कार्यकाल उस सीट पर 1 साल से कम है, तो इलेक्शन करवाना ज़रूरी नहीं है, ये प्रोसीजर होता है कुछ, ठीक है। इनके अलावा अगर इलेक्शन करवाया जाता है तो रिमेनिंग पीरियड के लिए ही वो कैंडिडेट जो है उस सीट को रिप्रेजेंट करेगा, उस असेंबली या लोकसभा को रिप्रेजेंट करेगा, असेंबली या लोकसभा सीट को रिप्रेजेंट करेगा। रिमेनिंग पीरियड क्या होता है, मान लेते हैं कि पाँच साल जो टर्म होता है, जैसे 2019 में इलेक्शन हुआ, 2024 में लोकसभा का इलेक्शन होगा, लेकिन अब चल रही 2021, तो अब जो कैंडिडेट जीत कर आएंगे लोकसभा में 2021 से 2024 तक का ही उनका कार्यकाल होगा, 2024 में फिर से पूरे इंडिया के अंदर इलेक्शन होगी, ठीक। ये कुछ प्रोसीजर जिसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी ने पंचायत इलेक्शन को लेकर एक बार सवाल पूछा था कि अगर पंचायत इलेक्शन में कोई बाय इलेक्शन होता तो कितने साल के लिए, कितना उसका जो है कार्यकाल रहेगा, ये उसकी टर्म रहेगी, तो रिमेनिंग पीरियड के लिए टर्म रहती है। अगर बीच में ही बाय इलेक्शन कर, बाय इलेक्शन का मतलब ये है कि एक उपचुनाव, चुनाव का सब पार्ट ही ये है, इसी को आप वर्ड्स को ब्रेक करेंगे तो आपको आंसर अपने आप मिल जाएगा। इसके बाद दिल्ली गवर्नमेंट ने एक देशभक्ति करिकुलम रिलीज़ किया है, देशभक्ति के बारे में पढ़ाया जाएगा स्टडीज़ के अंदर या एजुकेशन के अंदर इसके बारे में, और ये लॉन्च किया गया है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ रिवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर सरदार भगत सिंह, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस तरह के इनिशिएटिव, और इसके बारे में अगर आप बहुत ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो पेज नंबर 4 पे आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। अगर आप दिल्ली गवर्नमेंट की अगर एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये वाली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए होगी, तो ये वाला एक बार पढ़ लेना। केजरीवाल लॉन्च एम्बिशियस देशभक्ति करिकुलम, एवरी चाइल्ड इन दिल्ली विल बी पेट्रियट इन द ट्रूएस्ट सेंस, से चीफ मिनिस्टर। ये इनके बारे में डिटेल से बताया गया क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। अब बात करेंगे एडिटोरियल पार्ट पर, पेज नंबर 6 और पेज नंबर 7। देखिए, एडिटोरियल पार्ट में पहले हम बता दें कि किन किन एडिटोरियल पर हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टेकलिंग द माओविस्ट करके, माओविस्ट को लेकर अभी जो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है, डिस्कशन हुआ था 10 स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, उसके बारे में। इसके जस्ट नीचे इलेक्शन के बारे में है, जर्मनी में जो इलेक्शन हुआ नो क्लियर विनर करके, तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे क्या इशू है बेसिकली। और राइट हैंड साइड पे पेज नंबर 7 पे जुडिशरी में जो पेंडिंग केसेज है उनको लेकर एक एडिटोरियल वो हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा अगर आप एक्स्ट्रा एफर्ट करना चाहते हैं तो नीट वाला जो एडिटोरियल आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे
टेकलिंग द माओविस्ट करके एक जो टॉपिक दिया गया है, द इंसर्जेंसी हैज़ वीकेंड बट द इट्स पोटेंसी इन सेलेक्ट एरियाज हैज़ नॉट रिड्यूस्ड, यानी रिड्यूस्ड कि ठीक है आपकी बात से सहमत है कि माओविस्ट जो है या नक्सलाइट एरिया कम हुआ है, उनकी रिप्रेजेंटेशन कम हुई है, बट इस चीज़ को नकार नहीं सकते कुछ एरियाज में उनकी पोटेंशियल अभी भी वो बहुत पोटेंशियल रखते हैं। तो रेशन में 10 स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा ये के अंदर डिस्कशन किया गया, जिसमें यूनियन होम मिनिस्ट्री की तरफ से क्लेरिफिकेशन दिया गया कि भारत में माओविस्ट की जो प्रेजेंस है 96 डिस्ट्रिक्ट से अब केवल 41 डिस्ट्रिक्ट्स में है। ठीक है, इसके अलावा इस बात को नहीं नकारा जा सकता कि अभी भी कुछ पॉकेट्स के अंदर वो हैं, लेकिन माओविस्ट या नक्सलाइट एरिया कहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को मिलता है कि जहाँ पर डेवलप्ड लिंक जो है वो कम है या अनटच रहे हैं, वेलफेयर स्टेट नहीं है या लोगों को सुविधाएं नहीं मिली है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है कि इस तरह के जो ग्रुप है जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओविस्ट, या याद रखिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में कई तरह की कम्युनिस्ट पार्टी है, अगर ब्रैकेट में माओविस्ट वर्ड यूज़ किया गया तो नक्सलाइट पार्टी के अंदर ही कंसिडरेशन किया जाएगा। भारत के रिमोट एरिया जैसे सेंट्रल टेरेन है या फॉरेस्टेड टेरेन ऑफ सेंट्रल एंड ईस्ट सेंट्रल इंडिया, यानी फॉरेस्टेड एरिया जहाँ पर सेंट्रल और ईस्ट सेंट्रल इंडिया के अंदर ये ज़्यादा एक्टिव नज़र आएंगे। ये बेसिकली प्रोमिस करते हैं जो गरीब लोग होते हैं कि हम लोग आपको वेलफेयर करेंगे, सब लोगों को शामिल करेंगे, और उनको एक तरीके से बोलते हैं ना ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते हैं। कई लोग इनको सपोर्ट भी करते हैं इसी कॉन्टेक्स्ट में, खासकर छत्तीसगढ़ झारखंड में आपको ये ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है, जैसे फिलीपींस और पेरू का एग्जांपल कनेक्ट किया गया कि वहाँ पर भी बड़ी संख्या में डेथ और वायलेंस देखने को मिलती है। इसके अलावा भारत के अंदर भी अगर आप देखेंगे बड़े ये जो लोग हैं, यानी भारत में जो ट्राइबल पॉपुलेशन है या जो पर्टिकुलर एरिया है वो ऐसा नहीं कि वायलेंस करना चाहती है, सवाल ये है कि इन लोगों तक एक्सेस नहीं है, यानी एक तरीके से जो एक डेवलपमेंट का जो एक्सेस होना चाहिए वो नहीं है। इसमें अगर डेमोक्रेसी में जब हम पार्ट ग्रेटर डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो उसमें हर व्यक्ति का भागीदारी होनी चाहिए। ये सारे लोग चाहते हैं कि एंगेजमेंट हो इलेक्ट्रल वेलफेयर सिस्टम में, जब सिस्टम वहाँ तक नहीं पहुँच पाता तो लोगों को लगता कि जो दूसरा तरीका ऑफर किया जा रहा है नक्सलाइट्स के द्वारा ये उनके लिए बेटर है। तो वेलफेयर सिस्टम में अगर हम गवर्नमेंट की सोर्सेज की एक्सेस को यहाँ बढ़ाएंगे तो काफ़ी चीज़ें इंप्रूवमेंट हो सकती है। इनके अलावा माओविस्ट की जो इंसर्जेंसी है अभी भी आपको जैसे छत्तीसगढ़ के साउथ बस्तर एरिया में देखने को मिलेगी, आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर आपको देखने को मिलेगी, और कुछ डिस्ट्रिक्ट झारखंड में अभी भी है जहां पर इनकी प्रेजेंस है। डेफिनेटली ये एक तरीके से इम्प्रूवमेंट हुआ। जैसे जैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर और वेलफेयर को एक्सपेंड करेंगे वैसे वैसे माओविस्ट भी अपने आप में वीक करता है, लेकिन माओविस्ट और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में जो क्रॉस फायरिंग होती है उसमें बड़ी संख्या में हमारे जवान शहीद हो जाते हैं। इनके अलावा इस वॉयलेंस में जो मेन अभी इश्यू रह जाता है कि इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर कुछ लोग बोलते हैं जैसे ही माओविस्ट पर अटैक होते हैं, या क्योंकि माओविस्ट जो है वो गाँव में चले जाते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में लोकेट उनको सर्च करना ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए, कि मान लेते हैं कि वो ट्राइबल पॉपुलेशन एरिया के अंदर चले गए तो काफ़ी सेंसिटिव एरिया हो जाता है, फिर लोग बोलेंगे कि ह्यूमन राइट्स का ग्रेव वॉयलेशन हुआ। तो बहुत सारे डिबेट और आर्ग्यूमेंट्स ये पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर है। इसमें एक ही चीज़ बोली गई है कि हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि माओविस्ट इंसर्जेंसी को और ज़्यादा कैसे वीक कर सके। इवन अभी यूनियन होम मिनिस्ट्री की तरफ से बोला गया कि जो लोग ये नक्सलाइट मतलब नक्सलिज्म को छोड़ना चाहते हैं, मेन स्ट्रीम के अंदर आना चाहते हैं, उनका वेलकम, अगर आप अटैक करेंगे सिक्योरिटी फोर्सेज पर या पॉलिटिकल लीडरशिप पर जर्नलिस्ट पर आपके अगेंस्ट उसी तरीके से एक्शन लिया जाएगा। अभी भी जो कुछ डिस्ट्रिक्ट कंसर्न हैं जिसमें झारखंड छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश और एक तरीके से ओडिशा बॉर्डर एरियाज में, इन पर काम करने की ज़रूरत है। कुछ कंसर्न जैसे झारखंड ने एक तरीके से फंडिंग को लेकर एक क्वेश्चन सरकार से किया, इसके अलावा जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज उनके डिप्लॉयमेंट पर जो चार्जेस लिए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट से, ये सारे कंसर्न उनको ध्यान रखना ज़रूरी है, और वेलफेयर को और ज़्यादा इंक्रीज़ करें, इन एरियाज़ के अंदर जो मूवमेंट है इनको ट्रैक करें और इनको काउंटर करने को लेकर एक प्रॉपर स्ट्रेटजी जो है वो इम्प्लीमेंटेशन करें। इनके अलावा मेन स्ट्रीम में लाने के लिए और एग्रेसिव स्ट्रेटजी जो है बनाई जा सकती है, कंसल्टेशन किया जा सकता है इनके साथ, ठीक है, ताकि इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर वॉयलेंस को ज़्यादा से मिनिमाइज किया जा सके। इसके जस्ट एक नीचे इन्फॉर्मेशन है आर्टिकल में, नो क्लियर विनर करके एक आर्टिकल दिया गया है, और जर्मनी के अंदर जो अभी इलेक्शन प्रोसेस हुआ उसके बारे में एडिटोरियल डिस्कस करता है। तो इससे पहले ज्योग्राफिकल लोकेशन में मैप आप देखेंगे जर्मनी का,
यूरोपियन कॉन्टिनेंट में पड़ेगी, जो आपसे सवाल पूछा गया था ये कंट्री। और जर्मनी के आसपास नेबरिंग कंट्री में अगर आप देखेंगे तो चेक, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, इसके फ्रांस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, नीदरलैंड, इसके अलावा भी नॉर्थ सी, और यहाँ पर जो है बाल्टिक सी का कुछ एरिया इसको टच करेगा, और ऊपर होगा डेनमार्क। तो जर्मनी की कैपिटल क्या है? बर्लिन, जो कि ईस्टर्न जर्मनी में पड़ती है, ये ध्यान रखना, राइट। जर्मनी के अंदर इलेक्शन होते हैं जर्मनी के चांसलर पोस्ट के लिए, लेकिन अभी किसी को भी कोई वहाँ क्लियर मेजोरिटी नहीं, यानी जिसको बोलते हैं ना अलग अलग गठबंधन सरकार, हिंदी में एक वर्ड यूज़ करते हैं, कोलेशन गवर्नमेंट होने की पॉसिबिलिटी, अलग अलग पॉसिबिलिटी है कि अलग अलग कोलेशन हो, क्योंकि सभी पॉलिटिकल पार्टीज को सीट मिली है, रिप्रेजेंटेशन मिला, किसी को कम किसी को ज़्यादा, लेकिन ये श्योर है कि एंजेला मर्कल जो है उनको रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, या एक तरीके से उनको उनका रिटायरमेंट का समय जो आ चुका है, क्योंकि उनकी पॉलिटिकल पार्टी जो है उनको एज कम्पेयर टू सोशल डेमोक्रेट, जो जिन्होंने एक लीड ली है 25.7%, उससे पीछे है, उनकी पार्टी जो है वो 24.1%, लेकिन ये गैप बहुत बड़ा नहीं है, ये भी एक बड़ा इशू है। इसके अलावा ग्रीन्स एक पॉलिटिकल पार्टी है, उन्होंने 14.8% परफॉर्मेंस किया। ग्रीन्स अपने आप में इंपॉर्टेंट, ये वर्ड यूज किया गया इसका मतलब समझ लीजिए, क्लाइमेट चेंज को लेकर इन्होंने वोटिंग, मतलब अपने वोट कहा कि आप हमें क्लाइमेट चेंज इश्यू पर वोट दीजिए। इनके अलावा कुछ और पॉलिटिकल पार्टी है जिन्होंने वोटिंग परसेंटेज में एक तरीके से अच्छा परफॉर्मेंस किया। अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी की, ओलाफ सोलज करके इनका नाम है, इन्होंने लीड किया, इन्होंने विक्ट्री हासिल करी, ये लीड कर रहे हैं इस पूरे कोलेशन को, और जो एंजेला मर्केल के जस्ट अगेंस्ट एक कोलेशन है सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक ग्रुप, लेफ्ट सोशलिस्ट डेमोक्रेट, इन्होंने लीड किया है। और लेकिन क्योंकि सरकार बनाने के लिए जो मेजोरिटी चाहिए उसमें बहुत सारे लोगों की एक तरीके से इंपॉर्टेंट रोल भी रहेगा, जैसे ग्रीन्स और लिबरल्स किंग मेकर की तरह उनकी सीट्स का समर्थन चाहिएगा इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में, राइट। ये तो हो गया पॉलिटिकल कुछ चीज़ें। अब बात करते हैं एंजेला मर्केल के बारे में, मर्केल या मर्केल जो भी आप बोल सकते हैं। पिछले साल 16 सालों से ये जर्मनी की चांसलर रही हैं, एक इंपॉर्टेंट लीडर की तरह वहाँ पर रही, लेकिन उनके डिसीजन की एक तरीके से कौन इनके सक्सेसर होगा या उनका उत्तराधिकारी होगा, ये अपने आप में चैलेंजिंग भी होने वाला है। सरकार बनाने के लिए एक लंबा प्रोसीजर जर्मनी के अंदर है, उसमें उसके बाद कैसे जो सोलज हैं जो कि अभी लीड कर रहे हैं, कैसे प्रो बिजनेसमैन माने जाते हैं सोशल डेमोक्रेट्स में, इन्होंने अपने कैंपेन की शुरुआत ही करी थी सोशल जस्टिस के साथ, मिनिमम वेज को बढ़ाएंगे, अफोर्डेबल हाउस बनाएंगे, अमीर लोगों पर टैक्स लगाएंगे, इस तरह के इनके कैंपेन का हिस्सा रहा था। इनके अलावा ग्रीन्स के साथ ये पॉसिबिलिटी कि सरकार ये बनाए, ग्रीन्स और लिबरल को माना जाता है ट्रैफिक लाइट्स, ठीक, क्योंकि ग्रीन ने जो इलेक्शन जीता है वो जीता है क्लाइमेट्स के ऊपर, यानी इलेक्शन जीतने इन द सेंस कि अच्छा खासा परफॉर्मेंस इन्होंने भी किया, सीट्स बनाए और किंग मेकर की तरह बनाए। जब सरकार के पास मेजोरिटी नहीं होती तो छोटी छोटी पार्टी जो है किंग मेकर बन जाती है, वो एक तरीके से बहुत ज़्यादा मांग करने लगती है। इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर मेजोरिटी की बात करें तो 368 की मेजोरिटी उनको चाहिएगी सरकार बनाने के लिए जर्मनी के अंदर। जर्मनी में 2005 में जब एंजेला मर्केल आई थी तब यूरोप की लार्जेस्ट इकोनॉमी में कई सारे कंसर्न थे, अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल रही थी, इसके अलावा इकोनॉमिक क्राइसिस भी यहाँ पर थे। इन सब के अलावा जर्मनी में बहुत सारे चैलेंजेज हैं इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में, क्लाइमेट चेंज को लेकर, या ईस्टर्न और वेस्टर्न जर्मनी के बीच में भी डिबेट होता है कि ईस्टर्न एरिया अभी भी इतना डेवलप्ड एक नहीं है जितना, रिफ्यूजीज को लेकर, माइग्रेशन को लेकर बहुत ज़्यादा डिबेट इस कंट्री के अंदर है, क्योंकि कई सारे लोग जो है इनकी पॉलिसी जो माइग्रेट लोग हैं जर्मनी के अंदर एंटर करें वो उसको नहीं पसंद करते। इसके अलावा जर्मनी की जो नेबरिंग कंट्री है वो भी माइग्रेशन को लेकर जर्मनी के अगेंस्ट रही है कि रिफ्यूजीज़ को आप यहाँ पर शरण देंगे, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा ग्रीस के साथ एक इश्यूज़ हुआ था इनका बेल आउट को लेकर, और इन सब के बीच में यूनाइटेड किंगडम के बाद यूरोपियन यूनियन का एक तरीके से यूरोपियन यूनियन से निकलने के बाद जो सिचुएशन क्रिएट हुई है उन सब के बीच में जर्मनी कैसे लीड करेगा। डेफिनेटली जर्मनी एक इम्पॉर्टेंट और बड़ी कंट्री यूरोपियन यूनियन की जो कि मेजर रोल प्ले करती है, और जर्मनी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है यूरोपियन यूनियन को एक साथ संभाले रखने में, तो इनका एक इंपॉर्टेंट रोल होने वाला आने वाले टाइम में भी। इंडिया के रिलेशन की बात करें तो
हमारे रिलेशन अच्छे हैं, कुछ कंसर्न डेफिनेटली मैंने पहले ही बताया कि हर कंट्री के साथ कुछ ना कुछ कंसर्न है। जैसे कुछ स्टेटमेंट इन्होंने दी थी फार्मास्यूटिकल सेक्टर को लेकर एंजेली मर्कल ने, इनके अलावा रिसेंटली जो जर्मनी के एम्बेसडर है इंडिया में, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, अगर आप पढ़ेंगे जर्मनी एम्बेसडर इन इंडिया, कि भारत के बिना जर्मनी किसी भी एरिया में, चाहे क्लाइमेट चेंज हो या दूसरे इश्यूज, उन पर आगे नहीं बढ़ सकता, यानी भारत का सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद एक एडिटोरियल जो हम पढ़ेंगे पेज नंबर 7 पर, हाउ टू ग्रीस द व्हील्स ऑफ जस्टिस करके टाइटल दिया गया है, कि जस्टिस के जो व्हील्स है उसको कैसे ग्रीस करें, कैसे उसको और अच्छे से हम लोग चला सकते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, पेंडेंसी ऑफ केसेज, लगातार केसेज पेंडिंग पड़े हमारी जुडिशरीज के अंदर, इसके बारे में मेंशन किया गया। इसको लेकर कुछ मेजर अपनाए जा सकते, ये सजेशन दी गई है। ये डेटा दिया गया कि जनवरी 1, 2006 को भारत के अंदर 2,92,000 केसेज पेंडिंग थे, और जुलाई 1, 2021 को 4,49,000 केसेज जो है पेंडिंग पड़े, यानी 4,49,000 केसेज पेंडिंग जुडिशरी के सामने पड़े हैं। ये नंबर बहुत बड़ा है, और पिछले 6 महीनों में ही ये आप देखेंगे 23 लाख के आसपास केसेज इंक्रीज हो चुके हैं। तो ये जो डेटा है सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से और नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड से लिया गया है। इसमें रिसेंट में इन्होंने सबसे पहले एक कोर्ट को मेंशन किया, जिसके बारे में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमन्ना साहब ने बोला था। यूनाइटेड स्टेट की सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे वारेन बर्गर, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, एक कोर्ट दिया था, द नोशन दैट ऑर्डिनरी पीपल वांट ब्लैक रोब्ड जजेस, वेल ड्रेस्ड लॉयर्स इन फाइन कोर्ट रूम्स एज सेटिंग टू रिजोल्व देयर डिस्प्यूट इज इनकरेक्ट। यानी ये लगता है लोगों को कि कोर्ट के अंदर जो जजेस बैठे होते हैं ब्लैक सूट पहने, लॉयर्स होते हैं और अच्छे कोर्ट रूम होते हैं, यही उनकी डिस्प्यूट को सॉल्व करेंगे। ये बात जो है वो सही नहीं है। लोगों की प्रॉब्लम जो है, केस क्यों करते हैं, उनको कुछ प्रॉब्लम है, उनको कुछ पेन है, और उसको एक रिलीफ चाहते हैं, और वो रिलीफ जो होना चाहिए वो क्विकली होना चाहिए और इनएक्सपेंसिव होना चाहिए, महंगा नहीं होना चाहिए, तेज़ी से जो है वो पूरा का पूरा सोल्यूशन हो। इनके अलावा अगर रिसेंट में स्टेटमेंट देखेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, 2-3 स्टेटमेंट दी। पहली बात, सिस्टम को इंडियनाइज करिए, यानी उनका ये कहना था कि अभी भी जुडिशियल सिस्टम जो काफ़ी एक्सपेंसिव है, इसके अलावा आम लोगों को वो समझ से परे है, तो उसको सिंप्लीफाइड करने की ज़रूरत है, इंडियन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको, इंडियन सिटीजन के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जुडिशरी को चेंज करने की ज़रूरत है, मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है। इनके अलावा रिसेंट में एक और स्टेटमेंट आई थी कि वुमेन को 50% का जो है वो कोटा दिया जाना चाहिए जुडिशरी के अंदर, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन न के बराबर है महिलाओं का जुडिशरी के अंदर। इनके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे भारत के अंदर जो पेंडिंग केसेज हैं, 40% केसेज तो ऐसे हैं जो 3 साल से ज़्यादा पेंडिंग पड़े हैं। 1% केसेज ये होने चाहिए पूरा, अगर आप कंपेयर करेंगे 1% के आसपास ठीक माना जाता, लेकिन अगर इतना बड़ा नंबर तो ये और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक क्रिएट करेगा। अब इससे क्या होता है कि जो अमीर लोग होते हैं, पावरफुल लोग होते हैं, वो इसी जो केसेस डिले होते हैं उसका बेनिफिट उठाते हैं, और इसका नुकसान होता है पुअर और मार्जिनलाइज सिस्टम के ऊपर। अगर आप डेटा को एनालिसिस करेंगे, भारत में जेल में जो 70% कैदी हैं उनमें से, या अंडर ट्रायल्स हैं उनमें से ज़्यादातर पुअर सिटीजन, क्योंकि उनके पास अच्छे लॉयर्स करने के पैसे नहीं हैं, वो लॉयर्स नहीं कर सकते, इवन जुडिशियल इनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती ठीक, उसकी वजह से ये अंडर ट्रायल्स हैं या अभी भी जेलों के अंदर है, क्योंकि उनका केसेस को प्रोसीड नहीं किया जा रहा प्रॉपर वे में, या जिसको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है। इनके अलावा अगर आप केसेस की पेंडेंसी को देखेंगे तो ये लगातार इंक्रीज हुई है भारत के अंदर, और इसमें 2006 से 2019 के बीच में 2% पर ईयर के हिसाब से इंक्रीज हुई है। और जुडिशियल वैकेंसीज पेंडिंग होना एक बड़ा इशूज है। हालांकि फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टीएस ठाकुर ने बोला था कि 70,000 जजेज की रिक्वायरमेंट है, ऐसा नहीं है। अगर आप 20% इंक्रीज कर देंगे या जो सेंक्शन स्ट्रेंथ है उसको आप कंप्लीट कर देंगे, तब काफ़ी चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती है। इनके अलावा कई जगह पर ये देखने को मिला कि वैकेंसी बहुत ज़्यादा पेंडिंग है, इवन सुप्रीम कोर्ट में तो भर दी गई है, इवन ट्राइब्यूनल जो बनाए गए थे जुडिशरी का लोड कम करने के लिए, प्रेशर कम करने के लिए, वहाँ पर भी इवन जो हेड ऑफ द ट्राइब्यूनल उनकी वैकेंसीज खाली पड़ी है ठीक है। इसको लेकर कई सारे स्टेप उठाए जा सकते हैं, टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा सकता है ठीक है। जैसे एक तरीके से हम ई कमेटी बनाई जा सकती है केस को फाइल करने में, फीस भरने में, ताकि ट्रैवलिंग टाइम बचे और केसेस को एल्गोरिथम के थ्रू कंटिन्यू किया जा सकता है। इसको लेकर कई सारी सजेशन आई थी, जैसे एक कमेटी थी 2005 में, उन्होंने 3 आउटस्टैंडिंग रिकमेंडेशन दी थी। पहला एक तो इसको कंप्यूटर एल्गोरिथम के थ्रू केस को लिस्टिंग करिए, एलोकेशन करिए और जजमेंट्स को जो है आगे बढ़ाइए, ताकि
इसके अंदर एक लॉजिकल क्राइटेरिया के बेसिस पर पूरे केसेस को हियरिंग की जा सके। सेकंड, जो ई फाइलिंग होना चाहिए, जैसे पेमेंट को लेकर हो, लॉयर्स की फीस को लेकर हो, या केसेस की फाइलिंग को लेकर हो, ताकि सिंप्लीफाई किया जा सके। अगर आप ई फाइलिंग यानी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जुडिशरी के अंदर फंक्शन करेंगे, इससे बेनिफिट क्या होगा कि आप 3 लाख ट्रीज सेव कर सकते हो। बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट यूज़ किए जाते हैं, उसके बजाय अगर ऑनलाइन सिस्टम को अगर आप यूज़ करेंगे तो इसमें और ज़्यादा मदद मिलेगी। तीसरा एक इशू वर्चुअल हियरिंग को लेकर, क्योंकि COVID-19 के बाद जो हियरिंग है वो वर्चुअल शुरू हुई, यानी वो एक तरीके से जुडिशरी में ऑनलाइन हियरिंग शुरू हुई। इसकी वजह से केसेस कुछ और ज़्यादा इंक्रीज हुए। इसके लिए अब ज़रूरी क्या है कि नंबर ऑफ केसेस इंक्रीज है, तो हाइब्रिड हो सकता है सिस्टम को, यानी ऑनलाइन हियरिंग करना गलत नहीं है, बट ऑनलाइन में एक तरीके से सबका एक टेक्नोलॉजी को लेकर इश्यूज़ हो, अलग अलग इश्यूज़ हो, तो एक हाइब्रिड हियरिंग हो सकती है जिसमें एक तरीके से जुडिशरी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से फंक्शन करें। इसके अलावा यहाँ पर यह भी मेंशन किया गया कि अभी वैकेंसी जो पेंडिंग पड़ी है उन सबको अगर हम कंप्लीट कर देते हैं या ये पूरा सिस्टम हम अडॉप्ट कर लेते हैं, जिसमें जैसे को सजेशन दी गई वैकेंसीज को फिलअप करना हो, हाइब्रिड वर्चुअल हियरिंग हो, ठीक है, इसके अलावा जो और इश्यूज है जैसे इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी का यूज़ करना हो जुडिशरी के अंदर, अगर ये सारी चीज़ें हम अडॉप्ट कर लेते हैं तो दुनिया की top 10 कंट्रीज़ के अंदर हम शामिल होंगे जुडिशियल सिस्टम के अंदर। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताएगी, और जो फंडामेंटल राइट है सिटीजन्स का कि स्पीडी जस्टिस मिलना चाहिए, उनको न्याय जो है वो तेज़ी से मिलना चाहिए, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। इसके बाद page 8 पे जो इन्फॉर्मेशन है वो बात करती है ग्रीन एनर्जी के बारे में, और इसमें बताया गया कि लॉकडाउन की वजह से जो टारगेट सेट किया गया था उसमें कुछ कमी हुई, डिले देखने को मिली। एक रिपोर्ट पब्लिश करी गई है IEEFA के द्वारा, इसके बारे में पढ़ेंगे। जो टारगेट सेट करे गए थे, जैसे भारत में 2022 तक 175 गीगावाट जो है हमें एनर्जी जो है वो टारगेट कैपेसिटी को इंस्टॉल करना था, वो अभी टारगेट से काफ़ी पीछे है, लेकिन कुछ सेक्टर्स में हमने इम्प्रूवमेंट किया। सोलर एनर्जी में जो 100 गीगावाट का टारगेट रखा था गया था वो केवल 43.94 गीगावाट ही हम कर पाए, इंस्टॉल कर पाए। विंड एनर्जी के अंदर अगर हम देखें 60 गीगावाट का टारगेट था, 59.58 गीगावाट ही कर पाए। लेकिन अच्छी चीज़ क्या है, स्मॉल हाइड्रो एनर्जी के अंदर, बायो एनर्जी के अंदर जो टारगेट थे वो हम लगभग अचीव कर चुके हैं। इवन बायो एनर्जी के अंदर तो ये हम एक्सीड कर चुके हैं जो टारगेट हमने सेट किया था। एक इंस्टीट्यूट है द इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, उसके अकॉर्डिंग ये डेटा बताया गया, और भारत लगातार क्लेम कर रहा है कि 450 गीगावाट हम हासिल करेंगे 2030 तक, लेकिन 175 गीगावाट भी हासिल नहीं कर पा रहे हम 2022 तक। इसको लेकर कई सारे इश्यूज, जैसे 2021 में केवल 7 गीगावाट जो है हमने कैपेसिटी इंस्टॉल करी। गीगावाट क्या है, 1 गीगावाट के अंदर 1000 मेगावाट होते हैं, जैसे 1 GB के अंदर 1024 मेगावाट MB होते हैं, उसी तरीके से लगभग आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा ये टारगेट रखा गया था कि रूफटॉप सोलर हो या ग्राउंड माउंटेड यूटिलिटी स्केल पर, उसको एक तरीके से सोलर एनर्जी कैपेसिटी को इंक्रीज़ किया जाएगा। इन सब के अलावा कई सारे इश्यूज भी हैं, क्योंकि इकोनॉमी जो है वो फिर से रिवाइवल करने में टाइम लग रहा है। इनके अलावा एक जो बड़ा इशू देखने को मिल रहा है कोल स्टॉक्स को लेकर है, कि भारत के अंदर कोल स्टॉक्स के मामले में, क्योंकि एकदम से इकोनॉमी जो है वो रिकवर करना शुरू कर रही है, कोल्स की रिक्वायरमेंट को लेकर या इंपोर्टेड कोल पर, क्योंकि भारत के अंदर बड़ी संख्या में जो कोल अवेलेबल है उसमें क्वालिटी वाला कोल जो है वो नहीं है, कोयला नहीं है, इसलिए हम लोग इम्पोर्ट करते हैं, जिसमें खासकर कोकिंग कोयल है या अच्छी क्वालिटी का कोयला है। इसको लेकर स्टॉक जो है कई सारे जो प्लांट्स उनका कम है, ठीक है, यह बहुत ही लिमिटेड रहा है, 1-2 दिन का है या 10 दिन का है, उसको 15 से एटलीस्ट 21 डेज का होना चाहिए। इनके अलावा ये भी माना जाता है कि एकदम से एशियन मार्केट्स के अंदर जो डिमांड इंक्रीज हुई है, खासकर चाइना और इंडिया के अंदर, इनके अलावा जापान, साउथ कोरिया, यूरोप, इकोनॉमी रिवाइवल कर रही है, डिमांड बढ़ रही है, तो इसकी वजह से प्राइसेज भी इनके राइज हुए हैं। और अगर कीमत बढ़ेगी कोयले की, और अगर आप कॉस्ट बढ़ेगी थर्मल पावर प्लांट्स में, तो डेफिनेट सी बात है इलेक्ट्रिसिटी भी आने वाले टाइम में महंगी हो जाएगी, और ये डेफिनेटली अल्टीमेट इसका इम्पैक्ट पड़ेगा कंज्यूमर्स पर, जो हम लोग उपभोक्ता हैं उनके ऊपर। इसके लिए ज़रूरी है कि एक फ्लेक्सिबल और डायनेमिक जनरेशन सॉल्यूशन होना चाहिए इंस्टॉल्ड करने के मामले में। इसको लेकर ये बताया गया कि कैसे कर सकते हैं, बैटरी स्टोरेज हो सकता है, हाइड्रो स्टोरेज को और ज़्यादा पंप किया जा सकता है, गैस फायर कैपेसिटी को इंक्रीज़ किया जा सकता है, और फ्लेक्सिबल ऑपरेशन हो सकता है जो इस टाइम पे कोल फ्लीट हमें देखने को मिलता है, इन सारे कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, और गवर्नमेंट ये प्लानिंग कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है डिप्लॉयमेंट ऑफ सच सोर्सेज टू हेल्प मीट पीक डिमांड एंड ऑल्सो बैलेंस द
ग्रेड एट लोअर कॉस्ट, यानी सरकार कोशिश कर रही है कि इस तरह की चीज़ों को डिप्लॉयमेंट करें, और जो पीक डिमांड होती है यानी एकदम जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है उस टाइम पे और ज़्यादा बैलेंस किया जा सके ग्रिड के साथ लोअर कॉस्ट के साथ। इसके बाद पेज नंबर 9 पे दो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है। पहला, यहाँ पर आप देखेंगे डेडलाइन फॉर प्रमोशन क्वोटाज फॉर डिसेबल्ड करके टाइटल दिया गया है, यानी डिसेबल्ड या फिजिकल जो डिसेबल्ड पर्सन है उनको जो प्रमोशन के अंदर रिजर्वेशन उसको लेकर डेडलाइन दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इनके अलावा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बोला था कि एटलीस्ट इंश्योर करिए कि 4% जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज होगा यानी 100 में से 4 वैकेंसी जो है वो डिसेबल्ड पर्सन के साथ फिल करी जाए, इसको लेकर इंश्योर करें। इसके बाद एक जो स्टेटमेंट कह सकते हैं या भारत की जो फाइनेंस मिनिस्टर उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट दी गई उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और ये इम्पॉर्टेंट यूनाइटेड नेशन मीटिंग होने वाली उसको भी एड्रेस करेंगी। इंडिया हैज़ क्रिएटेड जॉब्स ड्यूरिंग पैंडेमिक, फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से कुछ स्टेटमेंट दिए गए, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेगी उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर बोला गया कि भारत ने लार्जेस्ट वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्री वैक्सीनेशन प्रोग्राम को जो कैरी आउट कर रहा है, इनके अलावा जॉब्स को क्रिएट करने को लेकर हम लगातार काम कर रहे हैं। अब इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया उसके बारे में देखते हैं। तो इन्होंने बताया कि सोशल प्रोटेक्शन को लेकर पॉवर्टी एडिक्शन में हमने काम किया। इनके अलावा ये बोला गया कि भारत की तरफ से एक फाइनेंशियल पैकेज दिया गया $366 बिलियन का, और ये GDP का 13% के आसपास इसकी अमाउंट होती है। ये अमाउंट जो है वो ध्यान रखेंगे, ये नोट कर लेना एग्जैक्टली, ये लाइन एग्जैक्ट लिख लेना आप क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ये क्या काम करेगा, एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करेगा, वर्कर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेगा खासकर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, MSME सेक्टर को स्ट्रेंथन करेगा, रूरल इकोनॉमी को बूस्टअप देगा, रूरल इकोनॉमी को प्रमोट करेगा। ठीक है, इनके अलावा सोशल सिक्योरिटी कोड्स पर बताया गया कि हम लोगों ने बहुत सारे जो सोशल सिक्योरिटी को लेकर कोड थे या लेबर लॉज थे उनको 4 लेबर लॉज के अंदर जो हमने चेंज किया, खासकर सोशल सिक्योरिटी एंड वेज कोड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बड़ी संख्या में लेबर्स को मदद करेगा। न्यू पोर्टल के बारे में डिस्कशन किया जो अभी ई श्रम करके एक जो पोर्टल लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि सोशल प्रोटेक्शन में हम लोग लगातार फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम में और ज़्यादा इंप्रूवमेंट कैसे करें इसको लेकर इंश्योर किया जाएगा। इनके अलावा जनधन अकाउंट, आधार मोबाइल, जैम जो ट्रिनिटी बोलते हैं, जनधन अकाउंट, आधार मोबाइल फोन्स के थ्रू सिस्टम को और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने की कोशिश की जा रही है। इनके अलावा एक और लास्ट मेंशन किया गया कि EPF में कंट्रीब्यूशन लोगों का बढ़ाए, 7.81 मिलियन वर्कर जो है फॉर्मल सोशल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में इंक्लूड हुए हैं सेकेंड COVID-19 के बावजूद भी। तो ये कुछ चीज़ें बताई गई इसके दौरान। इसके बाद पेज नंबर 10 पे दो तीन इन्फॉर्मेशन है। पहला तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बोला कि भाई स्कूल्स को फेजेज के अंदर रीओपन कर सकते हैं, लेकिन अब इस पर बात करेंगे मेन दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ की। सुप्रीम कोर्ट ने फायर क्रैकर्स फर्म्स को लेसेज आउट करा कि भाई आपको जो एक जजमेंट आई थी 2018 में फायर क्रैकर्स के मामले में, या जो पटाखे जो बनाते हैं मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उन फर्म्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में कहा था कि दिल्ली और पूरे इंडिया के अंदर खासकर दिल्ली वाले एरिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं कर सकते आप इस तरह के फायर क्रैकर्स, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि 2018 में ये बोला गया था कि जो जजमेंट है कि टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं इसके अंदर, कई सारे टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं जैसे बेरियम है, और इसकी वजह से लोगों की लाइफ पर नुकसान पहुंचता है, राइट टू लाइफ ऑफ इनोसेंट पीपल। अब इसी चीज़ को लेकर क्या कर रहे हैं ये फायर क्रैकर्स मैन्युफैक्चरर क्या बोलते हैं कि भाई हमारी लाइफ इसके ऊपर डिपेंड है, यानी राइट टू लाइफ, क्या हमें अपना काम करने का अधिकार नहीं है। तो इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पहली बात हम लोगों ने बैलेंस किया है एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट के बीच में और राइट टू लाइफ और हेल्थ ऑफ सिटीजन्स के बीच में, कैसे किया। तो यहाँ पर ये बोला गया कि आपका जो कहना है कि आप कुछ लोगों के जीवन को बचाने के लिए हम पूरे इनोसेंट लोगों के जीवन को खतरे में नहीं डाल सकते, दूसरा ये भी इंश्योर किया गया कि आपको, ठीक है मान लेते हैं कि आपको काम करने का अधिकार है, तो ग्रीन क्रैकर्स जो कि कम नुकसान दे उनको परमिशन दी गई थी, लेकिन आपने उस जजमेंट को फॉलो नहीं किया। आप लोग इस चीज़ को इंश्योर करें कि इस तरह की चीज़ें न करें, और अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली वॉयलेट कर रहे हैं आप सुप्रीम कोर्ट की इंपॉर्टेंट जजमेंट का। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, दूसरा यहाँ पर फायर क्रैकर्स और उनके अंदर मेजर जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो, और थर्ड ग्रीन क्रैकर्स क्या होते हैं और कितना डिफरेंस है ग्रीन क्रैकर्स और जनरली जो फायर क्रैकर्स होते हैं उनके बीच में। आप लोगों को नीचे कमेंट करना है
कि फायर क्रैकर्स के अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं, बेरियम के बारे में हमने पढ़ा, दूसरे कौन से इंग्रेडिएंट्स जो है फायर क्रैकर्स के अंदर होते हैं वो आप नीचे कमेंट करेंगे। इसके जस्ट राइट हैंड साइड एक और इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन क्या है, नितिन गडकरी साहब ने रिव्यू किया जोजिला टनल को। लगातार अगर आप देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख रीजन में टनल्स के थ्रू कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा रहा है। टनल्स बहुत इंपॉर्टेंट है जम्मू एंड कश्मीर में, हालांकि वल्नरेबल भी माना जाता है क्योंकि हिमालयन एक जो है न्यू माउंटेन एरिया है और वहाँ पर कई इश्यूज़ भी है, लेकिन टनल्स का इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि बर्फबारी की वजह से कनेक्टिविटी को लेकर इश्यूज आते हैं और अगर टनल्स होगी तो उसको कनेक्टिविटी को कंटिन्यू रखा जा सकता है। तो ऑल वेदर कनेक्टिविटी बिटवीन लद्दाख और श्रीनगर को बढ़ाने के लिए 13.5 किलोमीटर की टनल जो है वो इंक्रीज करेगी। आप लोगों को क्रॉस चेक करना है क्या ये जो टनल है जोजिला टनल, क्या ये जोजिला पास के थ्रू से गुजरेगी, ये आपको जस्ट क्लैरिफाई करना है कि येस और नो करके आपको जस्ट आंसर करना है। इसके अलावा यहाँ पर ये बताया गया कि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख रीजन में 1.5 लाख करोड़ के जो है वो प्रोजेक्ट जो अंडरटेकन किए जाएंगे, इसके अंदर कई सारी टनल्स बनने वाली है। ये जो टनल है बहुत इंपॉर्टेंट है, 2026 तक तैयार होगी, एशिया की लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल, यानी दोनों तरफ से दो, जैसे एक व्हीकल जा सकता है एक आ सकता है, दोनों साथ में काम कर सकते हैं। इनके अलावा ये अपने आप में यूनिक होने वाली है क्योंकि 11,578 फिट अबो सी लेवल, यानी इसकी सी लेवल से अगर हाइट देखेंगे तो 11,578 है, 3.5 घंटे जो लगता है समय अब वो 15 मिनट में हो जाएगा। और ये इन्होंने इंश्योर किया, कुछ प्रोजेक्ट के बारे में बताया गया, कॉस्ट के बारे में बताया गया कितनी इस पे कॉस्ट होने वाली है। लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर दोनों यूटीज़ के अंदर जो है इस तरह के प्रोजेक्ट अप्रोच किए जा रहे हैं, इसमें काम किया जा रहा है। मैं पर्सनल तौर पर अगर आप बात करूँ नितिन गडकरी साहब के बारे में, तो ये मुझे मिनिस्टर ऐसे लगते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्टिव आपको नज़र आएंगे, खासकर प्रोजेक्ट में, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के मामले में। इसके बाद 2-3 इन्फॉर्मेशन आपको बिजनेस सेक्शन में देखने को मिलेगी, इकोनॉमी का जो पेज है। सबसे पहले SEBI जो है उन्होंने क्लियर किया नॉर्म्स फॉर गोल्ड एक्सचेंज, यानी गोल्ड एक्सचेंज अगर आप स्टॉक मार्केट्स के थ्रू करेंगे तो उसके लिए क्या आपको रूल्स या रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। ये क्या करेगा, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाएगा प्राइसिंग को लेकर और प्राइस सेटर की तरह काम करेगा इस इकोसिस्टम के अंदर, ठीक है। तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया एक फ्रेमवर्क फॉर गोल्ड एक्सचेंज एज वेल एज फॉर वर्ल्ड मैनेजर्स की तरह, ये फैसिलिटेट करेगा सिक्योरिटी टाइड होगी जो येलो मेटल को लेकर, यानी अगर आप गोल्ड को लेकर एक तरीके से ट्रेड करना चाहते हैं एक तरीके से सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया या स्टॉक मार्केट के अंदर गोल्ड एक्सचेंज को यूज़ किया जा सकता है, इसको लेकर कुछ एक तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन जो है स्टॉक एंड सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी SEBI के द्वारा बनाए गए हैं। इसके बाद दो इन्फॉर्मेशन जो इस पेज पे मेन इन्फॉर्मेशन, पहला RBI ऑफिशियल की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया, एक तरीके से संबोधित कर रहे थे कि फिनटेक जो है फाइनेंस और टेक्नोलॉजी फर्म जो है ये मदद कर सकती है डिजिटल फ्रॉड्स को चेक करने में। ये स्टेटमेंट देगी टी रविशंकर जो डिप्टी गवर्नर हैं RBI के, इन्होंने बोला कि डिजिटल फ्रॉड को रोकने के लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाने के लिए और क्रॉस बॉर्डर पेमेंट को इंश्योर करने को लेकर काफ़ी चीज़ें कर सकती अगर ये टेक्नोलॉजी ड्राइवन फिनटेक जो है इसको लेकर काम करे, तो बहुत सारे पोटेंशियल है। और इसका बेटर क्या होगा कि इसमें आप लोग कस्टमर के लिए एक एफिशिएंसी गेन होगी, बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस जो इंक्रीज होगा और सोशल वेलफेयर में मदद की जा सकती है। इनके अलावा जैसे ऑनलाइन फ्रॉड्स है, कस्टमर की एक तरीके से जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है, डेटा प्राइवेसी, उन सब चीज़ों को इंश्योर किया जा सकता है क्योंकि डिजिटल पेमेंट का जो लैंडस्केप है वो इंक्रीज हुआ है। इसके अलावा COVID-19 पेंडेमिक के दौरान देखेंगे आप डिजिटल फ्रॉड्स के केसेस इंक्रीज हुए, उस कॉन्टेक्स्ट में ये इंश्योर करना कि डिजिटल फ्रॉड से इस तरह की चीज़ें ना हो, क्योंकि देखिए फाइनेंस जो है किसी भी इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी कंट्री के लिए और किसी भी व्यक्ति के लिए उसकी अर्थव्यवस्था का होना बहुत ज़रूरी है, उसके पास पैसा होना ज़रूरी है। उसका बेनिफिट क्या होता है कि अगर पैसा है तो एक तरीके से आप कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी को या आप रिसोर्सेज को, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। और ये इकोनॉमी के लिए भी, कंट्री के लिए भी ज़रूरी है कि लोगों के पास पैसा हो और वो उसको कंज्यूम करें, ठीक है। इसके जस्ट राइट हैंड साइड एशियन डेवलपमेंट बैंक की एक इन्फॉर्मेशन है कि बैड बैंक को लेकर जो NARCL कंपनी बनी है इसको रिकैपिटलाइजेशन करने की जरूरत है, इसकी सक्सेस डिपेंड करेगी रिकैपिटलाइजेशन, यानी बैंकों को आप पैसा दीजिए तब इसमें और ज़्यादा इसकी सक्सेस होगी। तो यहाँ पर बात करी गई है कि भारत के बैंकिंग सिस्टम को लेकर रिसेंटली एक डिसीजन लिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा कि बैड बैंक बनाया जाएगा, जिसमें जो टॉक्सिक एसेट है यानी ऐसी संपत्ति
जो एनपीएस के अंदर चलेगी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट के अंदर चली गई है या उसकी वापस आने की पॉसिबिलिटीज कम है, उस कॉन्टेक्स्ट में एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से बोला गया कि एक अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन इसकी सक्सेस डिपेंड करेगी कि आप बैंकिंग सेक्टर को कितना रिकैपिटलाइजेशन करते हैं, उनको पुनर्पूंजीकरण करते हैं। इनके अलावा ये भी बोला गया इसके अंदर कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन नॉन परफॉर्मिंग लोन जो है एक बड़ा कंसर्न है, क्योंकि इसके अलावा ट्विन बैलेंस शीट की जो प्रॉब्लम है, जैसे बैंक क्या ट्विन बैलेंस शीट की प्रॉब्लम इन द सेंस की जैसे बैंक जो है एक इंडस्ट्रियल फर्म है वो बैंक से लोन ले लेती है, इंडस्ट्रियल फर्म डूब गई, पैसा भी गया, इंडस्ट्रियल फर्म भी डूब गई, और उस कॉन्टेक्स्ट में क्या बैंकिंग और इंडस्ट्रियल दोनों को नुकसान हुआ, उस कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है कि ये ट्विन बैलेंस शीट की प्रॉब्लम है। सरकार ने डिसीजन लिया था कि बैड लोन्स के लिए एक रेजोल्यूशन कंपनी होगी, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, ये एक अच्छा स्टेप है। इसके अलावा यहाँ पर यह भी बताया कि बहुत सारी कंपनीज है पूरी दुनिया में, जैसे कोरिया के अंदर 1997 में या मलेशिया के अंदर एक अच्छा रोल इन्होंने प्ले किया, खासकर लोन रिकवरी के मामले में। रिकैपिटलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या करता है बैंकिंग सेक्टर को स्ट्रेंथ करता है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को इम्प्रूव करता है, इंक्रीज करता है बैंकिंग की लेंडिंग रेट को। इसके अलावा पूरी दुनिया की अगर आप देखेंगे 135 मेजर बैंक्स में से 15 यूरोपियन यूनियन नेशन में, स्विट्जरलैंड में ये इंश्योर किया गया कि इस तरह के एसेट में, खासकर बैड बैंक के मामले में, बहुत अच्छा काम किया अगर रिकैपिटलाइजेशन बैंकिंग सेक्टर को हम लोग करते हैं। यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ठीक है, पूंजी पर्याप्तता अनुपात 2020 में या 19 में सवाल यूपीएससी ने पूछा था इसको लेकर, एग्जैक्ट ध्यान नहीं लेकिन यूपीएससी ने सवाल क्लिप से पूछा था कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या होता है। एक रेशियो होगा बैंक के कैपिटल में जो मतलब एक आपके बैंक की जो कैपिटल है, बैंक के पास जो पूंजी है, उसमें से एक अमाउंट होती है रिस्क वेटेड, यानी इसको इस अमाउंट में हो सकता है रिस्क हो, और दूसरा होगा करंट लायबिलिटी, उनको कुछ पेमेंट जो है वो करनी है। इसको लेकर सेंट्रल बैंक जो है या बैंक रेगुलेटरी डिसीजन लेते हैं कि कमर्शियल बैंक इसका इतना बेनिफिट ना ले लें कि वो खुद ही इंसॉल्वेंट हो जाए, यानी एक तरीके दिवालिए ना हो जाए इस पूरे प्रोसेस में। इसको लेकर ध्यान रखने के लिए, इसको चेक करने के लिए कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के बारे में बनाया जाता है। इसके बाद वर्ल्ड अफेयर में छोटी छोटी टू द पॉइंट कुछ इन्फॉर्मेशन, जैसे तालिबान ने अडॉप्ट किया 1964 का एक मोनार्ची कॉन्स्टिट्यूशन, हालांकि इस कॉन्स्टिट्यूशन के क्या मायने हैं एक फोटोग्राफ से देख लीजिए, एक सलून के बाहर कुछ वुमेन्स की फोटोग्राफ थी, उनको कवर किया गया, ये इनका एक 1964 का एक कॉन्स्टिट्यूशन है। खैर क्या कॉन्स्टिट्यूशन है क्या नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन की मतलब क्या है, इनके लिए वो अलग डिस्कशन का टॉपिक है। इसके अलावा पाकिस्तान चाहता है कि भाई चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में अफगानिस्तान भी अब इंक्लूड हो जाए, है ना, तो ग्वादर से लेकर जिनजियांग जो प्रोविंसेस, हालांकि भारत इसमें शामिल नहीं है क्योंकि भारत विरोध करता है कि थर्ड कंट्री का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता होना चाहिए। जब भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई इशू डिस्प्यूट में है, खासकर ये वाला एरिया, उस कॉन्टेक्स्ट में ये बिल्कुल इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये जो प्रोजेक्ट देखेंगे इंपॉर्टेंट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, खासकर चाइना जिसको लेड कर रहा है, इसको लेकर $60 बिलियन का लोन ले रखा चाइना ने, पाकिस्तान ने, और ये दूसरी कंट्री होगी श्रीलंका के बाद जो सीधी सीधी डेट ट्रैप, यानी बड़ी संख्या में लोन ले लिया, उसको फिर पेमेंट करने की के पास पैसे नहीं होंगे तो उस कॉन्टेक्स्ट में क्या करेंगे, इसको अपनी प्रॉपर्टी लीज पर देनी पड़ेगी, और उसका नुकसान डेफिनेटली भारत के लिए स्ट्रेटजिकली इसका एक लॉस्ट है। इसके अलावा यहाँ पर इसराइल ईरान को लेकर इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने वार्निंग करी है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो ईरान का सारी लिमिट क्रॉस कर रहा है। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, यूरेनियम इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये पूरे टॉपिक पूरे साल न्यूज़ में रहे हैं, सवाल आपसे इसके बारे में हो सकते हैं। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया ने बोला कि भाई हमें आप मिसाइल को टेस्ट करने से रोक नहीं सकते, क्योंकि नोबडी कैन डिनाई द राइट टू सेल्फ डिफेंस ऑफ द DPRK, यानी हमारा एक राइट है सेल्फ डिफेंस को लेकर। इसके अलावा लास्ट इन्फॉर्मेशन जो है इस पेज पर और इस द हिंदू एनालिसिस के अंदर, जो बाइडन ने रिसेंटली एक रिमार्क्स किया था कि इंडियन प्रेस जो है वो US प्रेस के मुकाबले में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है, वेल बिहेव्ड है, इस चीज़ को लेकर डिबेट शुरू हो गई है। डिबेट इसलिए इन्होंने ये बोला था कि भारत के जो जर्नलिस्ट है उसमें, या जर्नलिस्ट को परमिशन देने को लेकर कि ओवल ऑफिस के अंदर वो कौन कौन से जर्नलिस्ट आ सकते हैं नहीं आ सकते, इस चीज़ को लेकर डिबेट हुआ। भारत की मीडिया के बारे में बोला गया कि मच बेटर बिहेव्ड है। अब इनसे सवाल पूछा गया कि अगर भारत की मीडिया इतना मच एक तरीके से बेटर बिहेव्ड है
तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप रैंकिंग देखेंगे इंडिया की मीडिया के कॉन्टेक्स्ट में, तो इस रैंकिंग का क्या मतलब है कि भारत की, अगर आप यहाँ पर मेंशन किया गया इंडिया की प्रेस रैंकिंग जो है पूरी दुनिया 142 है, अगर आप इसको देखेंगे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की रिपोर्ट के अंदर, तब भारत की मीडिया इतना अच्छा परफॉर्म कैसे करेगी, ये कुछ सवाल है। हालांकि जो बाइडेन के स्टेटमेंट क्या है या क्या नहीं है इन सब से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये रैंकिंग कई बार पूछ लेते हैं रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के कॉन्टेक्स्ट में, इसको ध्यान रखना। दूसरा, इंडिया यूएस के रिलेशन को लेकर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर कोई नई चीज़ नहीं है, इसको लेकर आप पढ़ सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हो। तो ये था इस वीडियो का एंड। थैंक यू ऑल। जय हिंद।